हे गाइस, वेल कम टू माय डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। इस वक्त फ्लटर जो है वो बूम पर है, और हर बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी, स्टार्टअप्स, हर क्लाइंट इस वक्त फ्लटर ऐप्स के लिए प्रोग्रामर्स को ढूंढ रहा है। और फ्लटर की ऐप्स बनाने के लिए आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, दैट इज़ दी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आप लोगों के पास ये सबसे अच्छा कोर्स होगा उर्दू और हिंदी के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डार्ट प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपको क्या नॉलेज पहले होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि अगर आपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो इससे पहले अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर भी आप लोग डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो, बिकॉज़ इसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक से एडवांस तक गया हूँ। तो अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हाथ सेट है, तो फिर तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकोगे। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग हैं जो जावा जानते हैं, सी प्लस प्लस जानते हैं, PHP जानते हैं, या जावास्क्रिप्ट जानते हैं, तो उन लोगों को मैं बताता चलूँ, उन लोगों के लिए ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। द रीज़न इज़ के इसका सिंटेक्स भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलियर है, और आप लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प होगी। और अगर बात की जाए कंप्यूटर की, कि आपका कंप्यूटर कितना हैवी होना चाहिए, कितनी पावरफुल मशीन होनी चाहिए, तो इसमें भी कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम नहीं चाहिए, हाई स्पेक्स नहीं चाहिए। आप ब्राउज़र के अंदर भी इस पूरे कोर्स को फॉलो कर सकोगे। इफ़ यू हैव क्रोम ब्राउज़र, देन आप ब्राउज़र के अंदर भी इसकी कोडिंग कर सकोगे। और अगर आप इसको अपने लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, और उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा आपकी हाई स्पेक्स नहीं चाहिए होंगी। अब बात कर लेते हैं कि वट वी विल लर्न। आई विल टेल यू कि हम स्टार्ट से फिनिश तक बेसिक से एडवांस कवर करेंगे, और वेरिएबल्स, क्लासेस, फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स, वेब APIs के साथ कैसे कनेक्ट करना है, जेसन पार्सिंग और जेनेरिक्स, सब चीज़ें हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। स्ट्रीम, फ्यूचर, और आप लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर ये नॉलेज शेयर की जाएगी। तो मेक श्योर टू इनरोल इन दिस कोर्स, और हर किस्म का इसके अंदर टॉपिक कवर किया जाएगा जो कि डार्ट के अंदर मौजूद है, ताकि आप लोगों को डार्ट की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो सके। किस किस को ज्वाइन करना चाहिए? हर वो बंदा जो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहता है और अपना कैरियर डेवलपमेंट के अंदर लेकर आना चाहता है, स्पेशली मोबाइल एप्स डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और डेस्कटॉप डेवलपमेंट, और आगे आगे तो डार्ट जो है वो सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि आप सर्वर साइड डेवलपमेंट भी कर सकोगे। हर वो बंदा जो पैशनेट है, जो अपना कैरियर बनाना चाहता है मोबाइल एप्स डेवलपमेंट के अंदर, फ्लटर के अंदर, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने का ये बेस्ट टाइम है। द रीज़न बीइंग के इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और ये एक हाई एंड स्किल है। अगर आप लोगों को ये आ जाता है, तो आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इसे अर्न कर सकते हो विया मेकिंग योर ओन एप्स। आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो ऑन फ्रीलैंसिंग मार्केट प्लेसेस, आप जॉब्स ले सकते हो, आप स्टार्टअप्स बना सकते हो। तो मेक श्योर टू इनरोल इन दिस कोर्स। नाउ आई विल से दैट ज्वाइन नाउ, एंड आई कांट वेट टू सी यू इन दी कोर्स। इस कोर्स में एक्सरसाइजेज हैं, लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, और कोडिंग एग्जाम्पल्स हैं, जो कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली समझाई जाएंगी। और इसके साथ साथ आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, और आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फुली। सो आई कांट वेट टू सी यू इन दी कोर्स, एंड टेक केयर।